वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यहाँ हमारी अच्छी चर्चा हुई, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बातें सुनी और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीन लिया गया है, केंद्र सरकार उन पर न्याय करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात के बाद कहा कि ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुझे आश्चर्य हुआ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने थे, उन्होंने एक भी मकान नहीं बनने दिया। हजारों गरीब आदिवासी को मकान से वंचित करने का पाप किया। देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया, उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहां पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहां की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहां भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए, उसका भी हम लोग यहां माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोगों को।